प्रदेश के हरदोई में गंगा के बढ़ते जलस्तर से अब नजदीक रहने वालों पर खतरा मंडराने लगा है। गंगा किनारे रह रहे लोग अब अपना मकान तोड़ने को मजबूर हैं। किनारे रहने वाले लोग अब पक्के मकान तोड़कर दूसरी जगह अपना सामान ले जाने को मजबूर हैं। प्रशासन ने ऐसे में बाढ़ चौकियों के साथ पहले से सुरक्षित स्थानों पर ग्रामीणों की व्यवस्थाएं कर रखी है। दरअसल इन दिनों गंगा का जलस्तर बढ़ने से अब कटान होना शुरू हो गया है। ऐसे महानदी घाट से लेकर राजघाट तक लगने वाले गांव जैसे चपरलता, देवीपुरवा, गुला, बपुरवा, मुक्कूपूर्व, मेदनपुरवा, रामेश्वरपुरवा, घासी रामपुरवा, चिरंजीपुरवा आदि दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आने की संभावना है। इससे पहले प्रशासन आने वाली समस्याओं की तैयारी पहले ही कर चुका है। बाढ़ चौकियों के अलावा आपदा आने पर ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने को लेकर सभी की ड्यूटी तैनात की जा चुकी है। कई बार जनपद के जिला अधिकारी भी इन स्थानों का निरीक्षण कर जानकारी ले रहे हैं। हरदोई से डॉक्टर शाहिद अली की रिपोर्ट। इनसे भाई साहब बहुत लंबा नुकसान है, गांव कटे जा रहे हैं। कौन कौन गांव कट रहे हैं? चिरंजीपुरवा, बछुईया, घासीरामपुरवा। कितने मकान कट चुके हैं अब तक? सोनारीपुरवा। कितने गांव मकान कट चुके हैं? इसमें कम से 10-5 मकान कट चुके हैं। 10-5 मकान कट चुके हैं। प्रशासन की तरफ से क्या सहायता मिली आपको? प्रशासन तरफ से बोरी ओरी लगवाए, इससे कुछ रुका है। कुछ रुका है। राहत मिली है आप लोगों? कुछ राहत मिली है। और कोई सहायता नहीं? और कोई सहायता नहीं मिली। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।